व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत अहम सोशल मीडिया एप्स पर बरोज 4 अक्टूबर इंटरनेशनली 1545 जीएमटी यानी पाकिस्तानी 845 पीएम को अहम बंदे। ओटीडी वालों का कहना है कि ये आउटेज हजारों सार्फीन को मुतासर कर रही है। आउटेज ट्रैकर डाउन डिटेक्टर वालों ने इस बंदिश में वाशिंगटन और पेरिस जैसे बहुत ज़्यादा आबादी वाले शहरों को भी मुतासर दिखाया है। ओटीडी वालों ने दिखाया है कि 20,000 से ज़ायद शिकायत दर्ज हुई हैं पर्टेनिंग विथ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, जिस पर रिएक्ट करते हुए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा है कि फेसबुक की बंदिश ने बैनुल अक्वामी सतह पर असर छोड़ा है। पीटीए के तर्जमान का कहना है कि दीगर तफसीलात जमा की जा रही हैं। मुतासर सार्फीन को मैसेज के ज़रिए ग्रीट किया गया है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वील गेट इट फिक्स एज सून एज वी कैन। उसके अलावा फेसबुक के तर्जमान एंडी स्टोन ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है, वी आर अवेयर दैट सम पीपल आर हैविंग ट्रबल एक्सेसिंग आवर एप्स एंड प्रोडक्ट्स, वी आर वर्किंग टू गेट थिंग्स बैक टू नॉर्मल एज क्विकली एज पॉसिबल एंड वी अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस। इसी साल में फेसबुक ने एक बड़े पैमाने की बंदिश का पहले भी मुकाबला किया है। तकरीबन जुलाई और मार्च का महीना था और इसके बनिस्बत फेसबुक के थर्ड पार्टी जैसे पोकेमोन गो और दीगर गेमिंग एप्लीकेशंस हैं, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने यूज़र्स को इन्फॉर्म करते हुए कहा है कि अगर आपको लॉगिन में कोई दिक्कत या परेशानी फेस हो रही है तो ये फेसबुक के ग्लोबल आउटेज की वजह से है। जब उनका मसला ठीक हो जाएगा तो अज खुद ये मसला भी हल हो जाएगा। दोस्तों, ये थी एक नए किस्म की न्यूज़ वीडियो। अगर आपको इस किस्म की वीडियोस में दिलचस्पी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें इसके बारे में आगाह करना न भूलिए। इंशाल्लाह जल्द ही एरर्स लीड्स टू वार सीरीज की पहली किस्त यानी जंगे अजीम का तारुफ आपके सामने आ जाएगा। बने रहिए हमारे चैनल पर और कीप सपोर्टिंग अस। इफ़ यू आर विथ मी, आई एम व्हाट आई एम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।